या फिर शायद आप सभी देख रहे होंगे पोके ब्रोस। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 लेजेंडरी मेगा इवोल्यूशनरी पोकेमॉन्स के बारे में, और वो भी पोके ब्रोस के साथ। जी हाँ, ये वीडियो है पोके ब्रोस के साथ कॉलैब वीडियो, और वो मेरे साथ कॉलैब कर रही है। ये वीडियो आपको उनके चैनल पर भी मिल जाएगा और मेरी चैनल पर भी मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे ये देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का लिंक मिल जाएगा, और अगर आप उनके चैनल पे देख रहे हैं पोके ब्रोस की तो उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ओए सुन रुक एक मिनट, मैंने सुना है कि पोके ब्रोस के पास एक उसका पार्टनर है मिट्सू नाम का, मुझे उससे मिलना है यार, प्लीज उसको बुलाना है यहाँ पे मेरे को प्लीज यार। नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे मिलने ही नहीं दूंगा, क्योंकि तू वो भी मस्ती करे और तू भी मस्ती करे, मुझे पता है तुम लोग बहुत मस्ती करोगे, बहुत ही ज्यादा मस्ती करोगे, इसलिए मैं मिलने नहीं दूंगा। सॉरी सॉरी, मैं नहीं करूंगा पक्का मस्ती, मैं नहीं करूंगा प्लीज यार, मेरे को एक दोस्त चाहिए प्लीज यार प्लीज। ऐसा क्या कर रहा है यार ध्रुव, ऐसा करेगा तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से, कल तो मैं चला गया तो मैं पक्का चला जाऊंगा। मस्ती नहीं करोगे? हाँ पक्का पक्का नहीं करोगे? ठीक है चल, पर थोड़ी देर, हाँ सिर्फ थोड़ी देर तुम लोग मिल सकते हो, फिर वीडियो के अंदर मत आना ज्यादा वरना हमारा डिस्टर्ब होगा। तो ओए म्यूट्स, आ जा चल। क्या तुम हो ध्रुवित के पार्टनर स्पार्क? मैं पोके ब्रो का मालिक मित्सु हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मुझे सब कुछ सुन रहा है? हाँ हाँ जरूर करूँगा मैं दोस्ती, क्यों नहीं करूँगा मैं तुम्हारे साथ, मैं भी कब से एक दोस्त बनाना चाहता था, अच्छा हुआ तुम मिल गए। चलिए अभी हम लोग खेले जाते चल। हाँ वैसे मैं भी एक दोस्त बनाना चाहता था, वैसे तेरी मर्चेंडाइज बहुत ज्यादा बिकती है मैंने सुना है, तो तेरे पास बहुत पैसा भी आया होगा, तो करोड़पति तो बन ही होगा आज तक, और मेरे जितने भी बिल है ना भर दिया करियो, ठीक है? बहुत आठ बहुत आठ। अरे नहीं नहीं क्या बात कर रहा है, वो सब जो पैसे मिलते ना वो सब ये पागल लेके जाता है, सारा पागल ध्रुवित पागल है बे यार, मेरे को एक रुपया भी नहीं देता उसमें से, और यहाँ तक तो मेरे को खाने भी नहीं देता है ढंग से, और मेरा फेवरेट वाला फूड जो है बोलता है कि महंगा है महंगा है। स्पार्क तेरे को ये सब के सामने बोलना मैंने ना बोला था ना, क्यों बताया तूने? रुक अभी तेरी खबर रहता हूँ रुक। और मित्सु तुम जाओ और पोके ब्रोस को बुला के आओ, उनको बोलो कि वीडियो चालू होने वाला है जल्दी आ जाए। ओके ओके ओके, तो मैं उसको टेलीपोर्ट यूज करके बुला लेता हूँ, तब तक के लिए मैं इसकी खबर लेता हूँ। ओए म्यूसू, तूने मुझे पहले क्यों नहीं टेलीपोर्ट किया? पहले दो बड़े लोगों के बीच में बातें हो रही थी इसलिए नहीं बुलाया। रुक जा एक मिनट, वीडियो बन लेने दे, उसके बाद घर जाके तुझे बताता हूँ कि बच्चा कौन है और बड़ा कौन है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10। तो ये नंबर 10 पे टाई हुआ है दो पोकेमॉन्स के बीच में, जो कि है मेगा चारिज़ार्ड एक्स एंड मेगा चारिज़ार्ड वाई। सो यार मेगा चारिज़ार्ड एक्स एंड वाई दोनों ही बहुत अच्छे मेगा एवोल्यूशन है मेगा चारिज़ार्ड के, एंड यार दोनों के जो बेस स्टैट है बिल्कुल सेम है, यानी कि 634 बेस स्टैट्स दोनों के हैं। एंड अगर हम इनके बेस स्टैट्स की बात करें, सबसे पहले हम मेगा चारिज़ार्ड एक्स के बेस स्टैट्स की बात कर लेते हैं। तो मेगा चारिज़ार्ड एक्स के जितने बेस स्टैट्स हैं उसकी उसकी एचपी है 78, अटैक है 130, डिफेंस है 111, स्पेशल अटैक है 130, स्पेशल डिफेंस है 85, एंड स्पीड है 100, टोटल 634। एंड अगर हम बात करें मेगा चारिज़ार्ड वाई के बारे में, तो उसकी एचपी है 78, अटैक है 104, डिफेंस है 78, स्पेशल अटैक है 159, स्पेशल डिफेंस है 115, एंड स्पीड है 100। जो यार अगर हम बात करें तो यार दोनों अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छे पोकेमोन्स हैं, जैसे एक अटैक में अच्छा है तो दूसरा थोड़ा डिफेंस में अच्छा है, तो इसी की वजह से ये दोनों हमारे नंबर 10 डिजर्व करते हैं। नंबर 9, आज हम खेलेंगे खो खो। तो यार नंबर 9 पे जो पोकेमॉन आता है वो है मेगा सीजोर, जो कि एक बग एंड स्टील टाइप पोकेमॉन है, एंड यार ये बहुत ही ज्यादा मुझे कूल दिखता है। एंड अगर हम इसके बेस स्टैट्स की बात करें तो यार इसके बेस स्टैट्स हैं 70, अटैक है 150, डिफेंस है 140, स्पेशल अटैक है 65, एंड इसका जो डिफेंस है वो है 100, और लास्टली इसकी स्पीड है 75। अगर हम देखें तो इसका अटैक सबसे ज़्यादा है लेकिन इसका स्पेशल अटैक थोड़ा कम है, लेकिन ये अटैक एंड डिफेंस पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोकेमॉन है, एंड मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इसे एक बार ज़रूर से ज़रूर यूज़ करना।
नंबर 8 खाली है मेरा पेट। तो यार नंबर 8 पे जो पोकेमोन आता है वो है मेगा कंगिसखान। सो यार मेगा कंगिसखान एक नॉर्मल पोकेमोन है, नॉर्मल टाइप का पोकेमोन है एंड यार ये भी बहुत अच्छा पोकेमोन है एंड अगर आप इसे यूज करोगे तो यार ये आपकी बैटल के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। एंड अगर हम इसकी स्टैट्स की बात करें तो इसकी एचपी है 105, अटैक है 125, डिफेंस है 100, स्पेशल अटैक है 60, स्पेशल डिफेंस है 100 एंड स्पीड भी है 100। एंड अगर हम इसके टोटल स्टैट्स की बात करें वो है 590। एंड यार ये बहुत ही अच्छा पोकेमोन है एंड यार इसका जो बेबी है वो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है जब वो सिर्फ कंगिसखान के रूप में होता है, लेकिन जब मेगा कंगिसखान बन जाता है तो भाई खत्म, तबाही मचा देते हैं दोनों। नंबर 7 मेरे चैनल की नहीं है कोई बात। तो यार नंबर 7 पे जो पोकेमोन आता है वो है मेगा मेटाग्रोस। एंड यार ये मुझे जितनी भी पूरी लिस्ट है ना इसके अंदर से ये मेरा सबसे फेवरेट पोकेमोन है भाई। इसका जो डिज़ाइन है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा गजब लगा। एंड भाई जब मैंने इसे पहली बार देखा तभी मैंने सोच लिया यार क्या दिखता है, पर म्यूटू की तो बात इससे भी अलग है भाई, म्यूटू तो अलग ही है अपना भाई। सो अगर हम इसके स्टैट्स की बात करें तो भाई इसके स्टैट्स में इसकी एचपी है 80, अटैक है 145, डिफेंस है 150, स्पेशल अटैक है 105 एंड स्पेशल डिफेंस है 110 एंड स्पीड है इसकी 110। अगर इसके टोटल स्टैट्स देखें तो वो है 700। एंड एक और बात की ऊपर से सूडो लेजेंडरी पोकेमोन है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। एंड अगर आपको एक बेल्डूम मिले तो यार ज़रूर से ज़रूर जाकर कैच करना चाहिए, 5000 मास्टर बॉल्स क्यों ना लगा दो आप लोग। नंबर 6 जिन्होंने डिसलाइक किया उनका दिमाग करना पड़ेगा फिक्स। तो यार नंबर 6 पे जो पोकेमोन आता है वो है मेगा गेंगार। सो यार मेगा गेंगार एक बहुत ही पावरफुल घोस्ट टाइप पोकेमोन है एंड यार ये जनरेशन 1 का वन एंड ओनली घोस्ट टाइप पोकेमोन है। एंड अगर हम बात करें इसके स्टैट्स के बारे में तो उसके अंदर इसकी एचपी है 60, अटैक है 65, डिफेंस है 80, स्पेशल अटैक है 170, स्पेशल डिफेंस है 95, स्पीड है 130 एंड इसके टोटल स्टैट्स हैं 600। एंड यार ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है एंड यार इसकी मूवीज़ के अंदर आप चीज़ें जाके चेकआउट करो यार, बहुत ही खतरनाक इसके मूवीज हैं एंड ज़रूर से एक बार इसे कैच करके ज़रूर देखना क्योंकि आपको बैटल के अंदर बहुत ही बहुत ज़्यादा हेल्प। तो फ्रेंड्स पोके ब्रोस ने आपको बताया 10 से 5 तक के टॉप पोकेमॉन्स, अब मैं बताऊंगा 5 से 1 तक का टॉप पोकेमॉन। तो चलिए अब बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। नंबर 5 घोस्ट पोकेमॉन नहीं होते अलाइव। तो फ्रेंड्स नंबर 5 पे है मेगा लुकारियो। जी हां फ्रेंड्स मेगा लुकारियो है नंबर 5 पे और मेगा लुकारियो को देख के तो यही लगता है कि वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। पर खैर लुकारियो एक फाइटिंग एंड स्टील टाइप का पोकेमॉन है जिसके पास सामान्य रूप में 110 पर काफ़ी शक्तिशाली हमले करता है जब वो नॉर्मल फॉर्म में होता है, और अपने मेगा फॉर्म में उसका स्टेट 145 यानी कि 145 है। मेगा लुकारियो पॉइजन और नॉर्मल रॉक बग स्टील ड्रैगन डार्क ग्रास और आइस टाइप पोकेमॉन के हमलों से बच सकता है। मेगा लुकारियो की विशेष अटैक को कहा जाता है कि एडेप्टेबिलिटी इंक्रीसेस को वो 1.5x से बढ़ाकर 2x कर देता है। नंबर 4 जिंदगी में कभी मत मानो हार। तो फ्रेंड्स नंबर 4 पे है मेगा ब्लेजिकन। और मेगा ब्लेजिकन जैसे आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं मेगा ब्लेजिकन एक फाइटिंग और फायर टाइप का पोकेमॉन है। ये पोकेमॉन जेनरेशन 3 में पेश किया गया था। ब्लेजिकन लेवल 36 में कॉम्बस्कन में विकसित हो सकता है, लेकिन ब्लेजिकन का उपयोग करके मेगा इवॉल्व भी करा जा सकता है। मेगा ब्लेजिकन के पास स्पीड बूस्ट का पावर है जो सब अटैक के बाद स्पीड स्टेटस को बढ़ा देता है, जबकि अधिकांश अंकों यानी कि स्टेट्स एचपी के अलावा मेगा ब्लेजिकन के लिए बढ़ जाते हैं। हमले की स्टेट्स को 40 पॉइंट से सबसे ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। और फ्रेंड्स मेगा ब्लेजिकन के पास बहुत ही ज़्यादा ताकतवर दो हमले हैं जिसमें से एक है फ्लेयर ब्लिट्स एंड दूसरा है स्काई अपरकट जो अपने अपोनेंट को बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुँचाते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे जैसे जीबीयू गेम्स खेलते हैं जीबीए माय बॉय जीबीए के अंदर
तो उसके अंदर भी ये पोकेमॉन आपको मिल जाएगा, और मिले तो ज़रूर से ये पोकेमॉन पकड़ लेना और मेगा इवॉल्व भी कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं भी आप ये मतलब गेम खेलूँ जीबी आपके सामने लाए या फिर उसकी वीडियोस बनाओ एपिसोड की, बहुत मज़ा आएगा फनी वाले, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए #yes। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए अब बढ़ते हैं अगले पोकेमॉन की ओर। नंबर 3, सब्सक्राइब कर दो, मैं फिर से नहीं बोलूंगा क्योंकि भैंस के आगे नहीं बजाते। फ्रेंड्स नंबर 3 पे है मेगा सेलेमंस, क्योंकि सेलेमंस का उपयोग करते हुए सेलेमंस के पास एक एबिलिटी होती है जिससे वो मेगा सेलेमंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और ये सेलेमंस एक भयानक दिखने वाला ड्रैगन फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। मेगा इवॉल्व होने पर इसका साइज बहुत ही छोटा हो जाता है और इसकी पूंछ भी बहुत छोटी हो जाती है। पर सबसे नोटेबल चीज़ ये है कि उसके पंख दो अलग अलग होने के बजाय मेगा इवॉल्व होने पर एक ही हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा बड़े और आकर्षित मस्त होते हैं, वो मेरा फेवरेट है। मेगा होने के बाद इसके मेन स्टेट्स की बात करें तो इसके पास नई एबिलिटी आ जाती है, उसका नाम है एरियल एस। और इसका जो जब अटैक जब नॉर्मल में होता है तब 135 होता है और मेगा में 145 हो जाता है, यानी कि 10 बढ़ जाता है। और डिफेंस 80 होता है और मेगा होने के बाद 130 हो जाता है। और फिर इसमें एसपी अटैक 110 होता है, यानी कि 110, और एसपी अटैक इस मेगा होने के बाद 120 हो जाता है। और एसपी डिफेंस 80 होती है, मेगा होने के बाद 90 हो जाती है। और स्पीड की बात करें तो मेगा होने के बाद उसकी 20 स्पीड बढ़ जाती है। और टोटल स्टेट्स की बात करें तो नॉर्मल में 600 यानी कि 600 होती है, और मेगा होने के बाद 700 यानी कि 700 हो जाती है। नंबर 2, वीडियो को बीच में छोड़ देना वरना मिस हो जाएगा पूरा शो। तो फ्रेंड्स नंबर 2 पे है मेगा म्यूटू एक्स और मेगा म्यूटू वाई। कुछ पोकेमॉन पहले से ही इतने ताकतवर होते हैं कि उन्हें मेगा इवॉल्व करने पर वो इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो ओवरकिल जैसे लगते हैं। म्यूटू उन पोकेमॉन में से एक है। म्यूटू काफ़ी समय से पॉपुलर रहा है और म्यूटू का फोटो काफ़ी सारे जिम्स के कवर पर पेंट किया गया है। म्यूटू वो कुछ पोकेमॉन में से एक है जो मेगा एवोल्यूशन को दो रूप में बांट सकता है। म्यूटू मेगा म्यूटू एक्स और मेगा म्यूटू वाई में विकसित हो सकता है। म्यूटू और मेगा म्यूटू वाई दोनों पेस्चिक टाइप के पोकेमॉन है, जबकि मेगा म्यूटू एक्स एक पेस्चिक एंड फाइटिंग दोनों टाइप का पोकेमॉन है। मेगा म्यूटू एक्स और वाई दोनों के बेस स्टेट्स टोटल 780 है। मेगा म्यूटू एक्स के पास एक बेटर अटैक और डिफेंस है और मेगा म्यूटू वाई के पास इसके स्पेशल अटैक और स्पेशल डिफेंस के लिए बेहतर स्टेट्स है। और म्यूटू की बात करें तो म्यूटू के पास टोटल 680 स्टेट्स है, जिसमें से उसकी सबसे ज़्यादा स्पेशल अटैक है और स्पीड है। नंबर 1, सब्सक्राइब नहीं किया तो मोबाइल अपना फेंक। तो फ्रेंड्स नंबर 1 पे है मेगा रिक्वेजा। मैंने और पोके ब्रोस ने रिक्वेजा को नंबर 1 पे इसलिए रखा क्योंकि उसके स्टेट्स बाकी सब पोकेमॉन से ज़्यादा थे और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है हमारे ख्याल से, इसलिए हमने उसको रखा है। और हमने ज़्यादा ये सिर्फ मेगा वाले को ही ऐड किया है, और हम लेजेंडरी पोकेमॉन को कंपेयर करें तो और भी इससे भी ताकतवर पोकेमॉन है। पर अभी के लिए मेगा वाले ये एपिसोड के लिए नंबर 1 पे है मेगा रिक्वेजा। मेगा रिक्वेजा सबसे शक्तिशाली पोकेमॉन में से एक है। रिक्वेजा एक ड्रैगन और प्लेइंग टाइप का पोकेमॉन है जिसे जनरेशन 3 में पेश किया गया था, जबकि रिक्वेजा किसी और पोकेमॉन में विकसित नहीं होता है। ये मेगा रिक्वेजा में विकसित हो सकता है। रिक्वेजा एक मास्कोट पोकेमॉन एमरेल्ड का है और ये ट्रियो मास्टर वेदर ट्रियो का है। रिक्वेजा के पास एयर लॉक एंड डेल्टा स्ट्रीम एबिलिटीज़ है जो लगभग किसी पोकेमॉन के पास नहीं है। ये दोनों
एबिलिटीज एक साथ। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं रिक्वेजा और मेगा रिक्वेजा की स्टेट्स की। मेगा रिक्वेजा और रिक्वेजा की स्टेट्स आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख जा रहे होंगे। मैं आपको बता देता हूँ रिक्वेजा के टोटल स्टेट्स है 680 यानी कि 680 और मेगा रिक्वेजा का है 780 यानी कि 100 स्टेट्स मेगा रिक्वेजा के बढ़ जाते हैं। वो कैसे बढ़ते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। अटैक जो है रिक्वेजा का 150 होता है और जैसे ही वो मेगा रिक्वेजा में इवॉल्व हो जाता है तो उसके 180 अटैक हो जाते हैं यानी कि 20 या फिर कितने होते हैं यार मेरी मैच कमज़ोर है नहीं 30 हाँ तो 30 बढ़ जाते हैं। और चलिए अब दूसरा स्पेशल अटैक रिक्वेजा का होता है 150 और जब वो मेगा इवॉल्व हो जाता है तो उसका स्पेशल अटैक हो जाता है 180 यानी कि उसमें भी हमें 30 टोटल स्टेट्स मिल जाते हैं ज़्यादा। तो इसमें और भी है मैं आपको दिखा देता हूँ। डिफेंस में आपको 10 और मिल जाते हैं और स्पीड के अंदर भी आपको 10 और मिल जाते हैं ठीक है फ्रेंड्स नहीं 20 मिलते हैं सॉरी स्पीड के अंदर यार ये फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे पोकेमॉन्स थे जिसको हमने लिस्ट में रखा था पर बाद में निकाल दिया। उसके फोटोज आपको स्क्रीन में मिल जाएंगे। ये सारे पोकेमॉन थे हमारी लिस्ट में पर हमें उसको निकाल दिया क्योंकि स्टेट्स में ये लोग पीछे थे बाकी सारे पोकेमॉन्स की बराबरी में तो हमने इन पोकेमॉन को हटा दिया। और जो है ज़्यादा स्टेट्स वाले हमने रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है ऐसे वैसे नहीं बोल रहे हम लोग। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना हमारी दोनों की चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इसके जैसे वीडियोस आपको हर रोज़ मिले और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में आए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसे वीडियोस और भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ मेरे को कॉलेज वीडियो चाहिए। और भी 2-3 यूट्यूबर्स हैं उन मतलब पोकेट्यूबर्स हैं मैं उनके साथ कॉलेज वीडियो बनाने वाला हूँ। एक तो चार हज़ार है वो तो अपना बेस्ट फ्रेंड है उनके साथ तो हम बना के ही रह गए और दूसरे भी 2-3 पोकेट्यूबर्स हैं उनके साथ भी हम लोग बनाने वाले। अगर आप भी मेरे साथ कॉलेज वीडियो बनाना चाहते हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो और डिस्क्रिप्शन में YT फ्रेंड होगा और आपको वो मेरा डिस्कॉर्ड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर मेरे को मैसेज करो कि मैं भी पोकेट्यूबर हूँ मेरे साथ भी कॉलेज वीडियो बनाओ तो मैं भी आपके साथ कॉलेज वीडियो बना दूंगा क्योंकि मैं भी बिगेनर हूँ और आप भी बिगेनर हो गए कुछ आप में से तो आपको भी बढ़ने के लिए थोड़ा मतलब वो चाहिए होगा। तो हम सब लोग मैं सोचता हूँ कि हम सब पोकेट्यूबर मिल के वीडियो बनाएंगे इनके कॉलेज तो हम लोग एक साथ बहुत ही ज़्यादा जल्दी ग्रो होने लग जाएगी इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज वीडियो बनाता हूँ। और अगर आपको गेमिंग मतलब पोकेमोन GBA गेमिंग की लाइव स्ट्रीम या फिर एपिसोड चाहिए तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना ठीक है। तो मैं देखता हूँ कल एक और आपके लिए गेम लेके आऊँगा पोकेमोन की एकदम मस्त वाली तो सब्सक्राइब करके रखना आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा हंसाता हूँ इसलिए सब्सक्राइब तो बनता है यार।